वीडियो में यूपी एनएचएम के द्वारा एक और शानदार मौका आप लोगों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा आप सबको पता है, यूपी एनएचएम की सारी अपडेट हम आपके लिए बताते रहते हैं, और एक और शानदार मौका, एक और शानदार भर्ती एनएचएम के द्वारा जारी कर दी गई है यहाँ पे, और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका और यहाँ पे जो है मिला है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है, और जल्दी से फॉर्म भरेंगे और उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी इच्छुक रहेंगे। तो दोस्तों, यूपी एनएचएम की भर्ती है, आप सबको पता है यूपी सीएचओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर दिया है, और उसके साथ ही एक और वैकेंसी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया गया है, और यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी हैं 100 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई हैं, और ये यहाँ पे देखिए इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, सबसे बढ़िया बात यह है कि 35,000 इसकी सैलरी एनएचएम के द्वारा इसकी जो सैलरी मिलने वाली है वो 35,000 आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। इस तरीके से अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, हालांकि एनएचएम के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आती है, और ये नर्सिंग जो है पीएचएन ट्विटर की वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ भी जो है देख सकते हैं। जो लेटर रिलीज किया गया है 2/8 यानी कि आज ही रिलीज किया गया है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए यहाँ पर जो है मिल जाएगी। यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है देखिए पीएचएन ट्विटर की जो है वैकेंसी है ये। ठीक है, पोजीशन का नाम, टोटल वैकेंसी 100 है, और अच्छी सैलरी है यहाँ पे 35,000 सैलरी इसकी मिलने वाली है। दूसरी बात, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी, एनएमटीसी पर रहेगी, एलएचबी सेंटर पर रहेगी, और जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर यानी कि अदर ट्रेनिंग सेंटर पर भी यहाँ पे इनकी पोस्टिंग रह सकती है। आप सबको पता है जीएनएम और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ पर इसकी पोजीशन रहने वाली है। काफ़ी अच्छी तरीके से जो है जॉब का जो है मौका मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पे अगर इस जॉब के बारे में बात करेंगे, कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट वो आर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी के रिगार्डिंग जो है कैंडिडेट मस्ट सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट। जो एससी एसटी ओबीसी के हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है देना पड़ेगा, किसके साथ में, विद परमानेंट रेजिडेंशियल प्रूफ, यानी कि अपने परमानेंट एड्रेस के साथ में यहाँ पर जो है देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ सारी टर्म एंड कंडीशंस, द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है, ऐसा नहीं परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इफ़ एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट इज फाउंड दिस कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें क्या है कि कैंडिडेट मतलब जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं मिलेगा तो उसको वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं इसमें, और ये जो वैकेंसी है इसके जो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आगे प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये वैकेंसी अभी आई हुई थी लेकिन दोबारा से इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, और दोबारा से वैकेंसी यहाँ पर आ गई है, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन इतने दिया है कि आप सबको पता लग जाए ये वैकेंसी और आई हुई है, और काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी मिलने वाली है आप लोगों को। ठीक है, सबसे बढ़िया बात यह है। ठीक है, तो इच्छुक उम्मीदवार भरना चाहें तो भर सकते हैं, कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन है वो हमारे पास जो है कमेंट करेंगे, उनका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। नेक्स्ट कोई भी वीडियो आएगा वो जल्दी से आपके लिए बताया जाएगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी नर्सिंग रिगार्डिंग वो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। इसलिए कहता हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।